आप अगर कोई बाइक लेने के लिए प्लान कर रहे हो एंड आपका बजट है लगभग 1,60,000 के आसपास, तो ये वीडियो आपको काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। कि इस वीडियो के अंदर ना मैं आपको बताऊंगा टॉप 5 बेस्ट अपकमिंग 160cc बाइक के बारे में, और ये सारी 160cc बाइक दूसरे 160cc बाइक के कंपैरिजन में काफी अलग दिखने वाला है। इवन इन सभी बाइक की जो ऑन रोड प्राइस होने वाला है उसके अकॉर्डिंग चाहे टॉप स्पीड हो, माइलेज हो या फिर ओवरऑल लुक्स हो, आपको अलग ही देखने को मिलता है। इसलिए ये वाला वीडियो ना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप या पर मिस मत करना। सो आई एम सुदीप फ्रॉम द रिव्यू सर्टिफाइड राइडर्स एंड आप सभी को रिव्यू सलाम। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज का इस लिस्ट की नंबर 1 पर काफी शानदार बाइक आता है, वो है हक्सवर्ना की ओर से 160 सेगमेंट की हक्सवर्ना। अब आपको लग सकता है कि भाई हक्सवर्ना क्यों 160 सेगमेंट के ऊपर फोकस कर रहा है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा हक्सवर्ना के पास जो 250 सेगमेंट का बाइक है ना, इसका सेल उतना ज्यादा नहीं हो पाता है या फिर ये उतना ज्यादा फैन फॉलोइंग अभी तक इनके पास नहीं है भाई। इसीलिए हक्सवर्ना अब दूसरे सेगमेंट के ऊपर फोकस कर रहा है, जैसे कि 125 सेगमेंट के ऊपर, 160cc सेगमेंट के ऊपर। इवन इंडियन फ्लड मार्केट पे ना हक्सवर्ना की ओर से 401cc का भी एक बाइक लॉन्च किया जा सकता है दोस्तों। सो फिलहाल ये वीडियो है 160 सेगमेंट के बारे में, सो मैं हक्सवर्ना 160cc के बारे में ही बात करूंगा। अब बात किया जाए ये बाइक कब तक इंडियन फ्लड मार्केट पे लॉन्च होगा, प्राइसेस क्या है एंड स्पेसिफिकेशन क्या हो सकता है। सो बात करूंगा इस बाइक की स्पेसिफिकेशन के बारे में। सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 4 वाल्व का इंजन रहेगा, जहां पर आपको लिक्विड कूलिंग के साथ 6 स्पीड गियर बॉक्स भी आएगा। इस बाइक की पावर की अगर बात किया जाए तो 19 bhp पावर के साथ 15 Nm का टॉर्क हो सकता है, यानी कि अगर ये इंडियन ट्रेलर मार्केट पे लॉन्च होता है ना, तब जगह भाई यामाहा MT15 का सेल बहुत ही ज्यादा डाउन होगा। एंड इस बाइक की ओवरऑल लुक्स एंड ओवरऑल स्पेक्स की अगर बात किया जाए तो बाइक की फ्रंट पर हिट लैम्प रहेगा, जैसे कि हक्सवर्ना 250 सेगमेंट के साथ आता है। सेम टू सेम लुक्स आपको 160 सेगमेंट की हक्सवर्ना के ऊपर भी लॉन्च किया जाएगा। अब टायर साइज के बारे में बात किया जाए तो रियर पर 150x66 इंच के एक सुपर वाइड टायर आपको दिया जाएगा, वही फ्रंट पर आपको 110x76 इंच का टायर के साथ आएगा। ड्यूअल चैनल ABS के साथ ड्यूअल डिस्क ब्रेक आएगा, जहां पर फ्रंट की जो डिस्प्ले रहने वाला है ना वो काफी ब्रॉड आपको दिया जाएगा। इवन इसी बाइक की फ्रंट पर USD सस्पेंशन, रियर पर प्रीलोडेड एडजस्टेबल मोनोस्ट्रक सस्पेंशन, और इसके साथ आपको डिजिटल मीटर कंसोल आएगा, जहां पर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आपको नेविगेशन का भी ऑप्शन मिलेगा। इवन इसी बाइक के अंदर आपको USB चार्जिंग पोर्ट का भी ऑप्शन मिलता है, यानी कि एक पैकेज 160 सेगमेंट की बाइक हक्सवर्ना की ओर से लॉन्च किया जाएगा। बट इसका ऑन रोड प्राइस के बारे में अगर बात किया जाए ना, तो लगभग 1,80,000 से लेके 90,000 तक इसका ऑन रोड प्राइस जा सकता है, यानी कि यामाहा MT15 से कम में आपको हक्सवर्ना की ओर से एक बेहतर 160cc बाइक ऑफर किया जाएगा। नंबर 2 पर आता है बजाज की ओर से पल्सर RS 160 सेगमेंट का बाइक। अब आपको लग सकता है कि भाई RS ने कब 160 सेगमेंट का अनाउंसमेंट किया है, तो भाई मैं आपको बताना चाहूंगा बजाज का जब भी कोई भी प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल होता है, जैसे कि पल्सर सीरीज सक्सेसफुल हुआ, उसका 150 निकला, 180 निकला, 125 भी इंडियन ट्रेलर मार्केट पे लॉन्च किया गया। उसके बाद आया बजाज पल्सर NS सीरीज। NS 200 काफी ज्यादा सक्सेसफुल प्रोडक्ट रहा है, उसके बाद NS 160 बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल है, उसके बाद आया NS 125। अब देखो इंडियन ट्रेलर मार्केट पे ना NS 400 भी आ चुका है। इसी तरह N सीरीज की अगर बात किया जाए तो पल्सर N250 को पहले लॉन्च किया गया, उसके बाद N160 जो काफी ज्यादा फेमस हो गया है। इवन इसी के बाद N125 वो इंडियन फ्लैट मार्केट पे लॉन्च किया जा रहा है। सेम मैं आपको बताना चाहूंगा बजाज पल्सर RS 200 बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल प्रोडक्ट है, जो इसके ऊपर अपग्रेडेशन भी आपको काफी जल्दी मिलने वाला है। इसी के तरह RS 200 के और भी 3 प्रोडक्ट इंडियन फ्लैट मार्केट पे लॉन्च होने वाला है, जैसे कि RS 125, RS 160 एंड 400RS। फिलहाल इसी वीडियो के अंदर हम बात करेंगे RS 160 के बारे में। इस बाइक के अंदर सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 4 वाल्व का इंजन रहेगा, जहां पर आपको लगभग 17.5 bhp पावर के साथ 15 Nm की टॉर्क मिलने वाला है, और इसी पावर एंड टॉर्क के लिए आप 125 किलोमीटर पर आवर की भी टॉप स्पीड अचीव कर सकते हो इस बाइक के अंदर। और ये बाइक के अंदर आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स एंड ऑयल कूलिंग सपोर्ट देखने को मिलेगा, जिसके कारण माइलेज काफी अच्छा, यानी कि 35 से लेके 45 km तक इजिली आपको माइलेज मिल जाएगा। अब ओवरऑल लुक्स की अगर बात किया जाए तो सेम टू सेम पल्सर RS 200 की इंस्पायर्ड लुक आपको इस बाइक के अंदर मिल जाएगा, जहां पर फ्रंट पर
UHD सस्पेंशन, रियर पर प्रीलोडेड एडजस्टेबल मोनोसुक सस्पेंशन, ड्यूअल डिस्क ब्रेक के साथ ड्यूअल चैनल ABS का भी ऑप्शन, ABS का भी तीन मोड्स आपको दिया जाएगा। नंबर 3 और 4 पर आता है KTM की ओर से RC 160 एंड Duke 160। इंडियन ट्रेलर मार्केट पे ना KTM के पास 125 सेगमेंट को छोड़ के डायरेक्ट 200 सेगमेंट के बाइक आ जाता है, बट जो लोग KTM का बाइक एक्चुअल में परचेस करना चाहता है 160 सेगमेंट के अंदर, उनके पास तो ऑप्शन में ही अवेलेबल नहीं रहता है। इसीलिए KTM आप अपनी 160 सेगमेंट के ऊपर भी फोकस कर रहा है। एंड सबसे बढ़िया बात भाई, आपको ओल्ड RC की जो लुक्स था ना, वो आपको इसी 160 सेगमेंट के अंदर दिया जाएगा। सो बात करते हैं इन दोनों बाइक्स के बारे में। सो दोनों बाइक के अंदर आपको फीचर स्पेसिफिकेशन बिल्कुल सेम रहेगा, यानी कि 160 सेगमेंट की बाइक है, इसलिए आपको यहाँ पर सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 4 वाल्व का इंजन रहेगा, जहाँ पर लिक्विड कूलिंग के साथ 6 स्पीड गियर बॉक्स आपको दिया जाएगा। इवन बाइक के अंदर टॉप स्पीड की अगर बात किया जाए, 130 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड दोनों बाइक ही अचीव कर सकता है। माइलेज की अगर बात किया जाए तो 40 km तक आपको माइलेज इजिली मिल जाएगा। और इन दोनों बाइक के अंदर आपको ड्यूअल डिस्क ब्रेक के साथ ड्यूअल चैनल ABS का ऑप्शन रहेगा, जहाँ पर ABS का कुछ मोड्स भी आपको ऑफर किया जाएगा। अब बात किया जाए मीटर कंसोल के बारे में, सो दोनों बाइक के अंदर डिजिटल मीटर कंसोल आएगा, जहाँ पर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का फीचर्स, स्टैंड बाय टायर नेविगेशन का ऑप्शन, और टायर सर्च के बारे में अगर बात किया जाए तो रियर की जो टायर प्रोफाइल रहेगा वो काफी वाइड आपको देखने को मिल जाता है, यानी कि 150/60 सेक्शन का रियर टायर है। फ्रंट पर 110/70 सेक्शन का सुपर वाइड टायर आपको ऑफर किया जाएगा। फ्रंट पर UHD सस्पेंशन है, रियर पर प्रीलोडेड एडजस्टेबल मोनोसुक सस्पेंशन, एंड ओल्ड ड्यूक की जो लुक्स था इसी लुक्स के साथ 160cc ड्यूक आएगा, और RC की जो ओल्ड लुक था इसी लुक्स के साथ RC 160 को भी लॉन्च किया जाएगा। आप अगर इन दोनों बाइक के लिए एक्साइटेड हो तो कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। नंबर 5 पर आता है TVS Apache RTR 164B का अपग्रेडेशन मॉडल। अब देखो इंडियन ट्रेलर मार्केट पे आज की डेट पे अगर कोई 160 सेगमेंट का बाइक लेने के लिए प्लान कर रहा है तो उनके पास काफी ज्यादा ऑप्शन आ जाता है। एंड इसके बारे में आप अगर वीडियो देखना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। सो आज की डेट पे N160 है, NS160 है, MT15 जैसे बाइक है, तो भाई TVS Apache RTR 164B का सेल ना बहुत ही ज्यादा डाउन हो चुका है, इसलिए TVS Apache RTR 164B के ऊपर काफी ज्यादा अपडेशन होगा, जैसे कि UHD सस्पेंशन, ड्यूअल चैनल ABS के साथ भाई ABS मोड्स आपको दिया जाएगा, टायर साइज थोड़ा सा इंक्रीज होने वाला है, इवन डिजिटल मीटर कंसोल पर आपको ब्लूटूथ नेविगेशन जैसे ऑप्शन ऐड किया जाएगा, और इसी बाइक के अंदर USB चार्जिंग पोर्ट का भी ऑप्शन ऐड किया जाएगा। तब जाके ये इंडियन ट्रेलर मार्केट पे जो भी अदर्स 160 सेगमेंट का बाइक है उनसे ये बाइक कंपेयर कर सकता है। सो आज का वीडियो बस यही तक था। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताना जरूर दोस्तों। मिलते हैं अगले कोई वीडियो में, तब तक अच्छे से रहिए, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।